महाभारत का जब युद्ध खत्म हुआ, युद्ध को खत्म होने के बाद वो कृष्ण जी महाराज से वो अर्जुन कहने लगा कि महाराज युद्ध खत्म होगा और हम जीत गए कि भाई हाँ सच्चाई कि तुम जीत गए। तो महाराज क्यों ना कोई जश्न करना चाहिए, क्या ना कोई खुशी मनानी चाहिए। कहता है कि अरे तुम जश्न मनाओगे, आज जश्न मनाओगे खुद अपने भाइयों के शीश धार के तुम अपने माथे सा हिलाओगे। किसका जश्न मनाओगे? अरे जश्न मन लिया वो भी तुम्हारे अपने थे और तुम भी उनके अपने थे, वो आज इस दुनिया में नहीं रहे, किसी का कोई जश्न की जरूरत नहीं। सजनों इतनी बात कही और वो कृष्ण भगवान द्वारकापुरी की तरफ चले जाते। सामने रुक्मण खड़ी है, हाथ जोड़कर प्रणाम करया कि महाराज कहां गए थे कि मैं धर्म और अधर्म की लड़ाई देखने के लिए गया हुआ था। ये बताया, वो सीधे सीधे सवाल करे रुक्मण ने, कहा तो महाराज हुआ क्या? किरण को हुआ ये, धर्म जीत गया और अधर्म हार गया। महाराज धर्म जीत गया और अधर्म हार गया, बात समझ में नहीं आई के उन कौरवों के पास में 11 अक्षौणी दल सेना और इन पांडवों के साथ में 7 अक्षौणी दल सेना और उन कौरवों के साथ में तुम्हारी खुद नारायणी सेना, तुम कैसे कहते हो कि धर्म जीत गया? अधर्म और धर्म का यहां जिक्र कराया है। और रुक्मण सवाल करती है श्री कृष्ण महाराज से, क्या कभी दर्शाया, क्या लिखा गुरु जी? आइए बजा बजा जीत की ग्यारे हारी कैसे हुआ कमाल बता, सात जीत की ग्यारे हारी कैसे हुआ कमाल बता। रुक्मण बली श्री कृष्ण से, श्री कृष्ण से महाभारत का हाल बता, सात जीत की ग्यारे जीत की ग्यारह हरी कैसे हुए कमाल बता। पहले नंबर पर जिक्र करा कि जिसके साथ में दादा भीष्म जैसे योद्धा हो, इच्छा मृत्यु का वरदान उस दादा भीष्म को कैसे मरवाया, क्या पहले नंबर पर लिखा, क्या बता दो? बहुत अच्छे। पति भीष्म के धोरे ग्यारह एक छोड़ी थी, सेनापति भीष्म के धोरे ग्यारह एक छोड़ी थी, और सात ग्यारह में फरक घना जैसे संख्या दौड़ी थी, उस गंधारी का जेठा बेटा और देश की दर दौड़ी थी, गंधारी का जेठा बेटा I'm sorry.
दूसरे नंबर पर जिक्र किया उस कर्ण का जिक्र किया कि महाराज वो तो कुंती की कोख का जाया था, सबको पता थी वो कुंती की कोख का जाया है, उसको कैसे मरवाया, यहां भी छल हुआ है। अगर महाराज तुम अगर उससे जाकर कुंती से अपनी बहुत कुंती से ये ना कहते कि तेरे पांचों पांडव जिंदा नहीं रहेंगे, अगर तू चाहती है तो वो पांच बाण मांग लिया उनसे, अगर अपने बेटों को जिंदा देखना चाहती है। दूसरे नंबर पर मैंने क्या कर सकता है, चोर कुंडल इंदर ले गया नटकड़ मार लिया था, चोर कुंडल छाती के बड़े पीठ पे लगे कानून कटकारा था, और विजयपति के रथ के ऊपर तू छलिया कटिया था, विजयपति के रथ के ऊपर कहते हो वो कौरव हार गए, लेकिन वहां गुरु द्रोण जैसे पितामह भीष्म जैसे योद्धा थे, तुम उनकी हार बताते हो। एक बात बताइए, जब वहां गुरु द्रोण खुद खड़ा था, गुरु द्रोण के सामने अधर्म हुआ और तुम कहते हो धर्म जीता, वो गुरु द्रोण के पास गए कौरव और पांडव, शिक्षा दीक्षा दोनों ने साथ में ली, तो सर्वश्रेष्ठ अर्जुन को कैसे घोषित करा, क्या लिखा गुरु जी कारणिया, और गुरु द्रोण की कृपा से हुआ अर्जुन मच्छर ने मार लिया, गुरु द्रोण की कृपा से हुआ अर्जुन मच्छर ने मार लिया, उन बावन दक्षिणा निष्फल कर दी छोटा सरकार, और गुरु द्रोण की कृपा से हुआ अर्जुन मच्छर मार लिया, गुरु द्रोण की कृपा से हुआ।